Morning, students. This is again Bhavnagar. In this lecture, I am going to teach you chapter 4, multiplication. Let's start. Chapter number 4, multiplication. Multiplication by multiple of 10, 100 and 1000. 47 में हम multiply किसी करेंगे? 10 की. तो 47 multiply 1 multiply 10. अब हमने क्या किया, ये जीरो जो होती है हमने साइड की है और वन से हम 47 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 47 वन जा 47 जो हमने साइड की थी जीरो, आंसर आने पर हम उसको यहाँ पर राइट कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आया 470। सॉल्यूशन नंबर टू, थ्री, अब हमने 10 की करी है, अब हम 100 की मल्टीप्लाई करेंगे, 306 मल्टीप्लाई 200। अब इसमें क्या है, हमारी टू जीरो है, अब हम ये दोनों जीरो साइड कर देंगे तो 306 के हमने 2 से मल्टीप्लाई करी, आंसर क्या आया हमारा 612। अब हमने जो साइड की थी 20, आंसर में हम उनको राइट कर देंगे, हमारा आंसर 1200। सॉल्यूशन नंबर 3, 14 मल्टीप्लाई 2000, अब हम 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे 14 से तो 14 ये क्या है हमारा 2, तो हमने यहाँ पर 2 राइट किया और ये 30 जो है हम साइड कर देंगे, जब हमारा आंसर आएगा तब हम उसमें राइट करेंगे। तो 42 की हमने 2 में मल्टीप्लाई तो आंसर क्या है हमारा 28, 14 टू जा 28 और 3 जो हमने 0 साइड की थी हमने इसमें राइट कर दी तो हमारा आंसर क्या है ये 28000। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लाइकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर बाय 2 डिजिट नंबर, हमें मल्टीप्लाइकेशन करेंगे 3 डिजिट से 2 डिजिट नंबर को, तो 134 मल्टीप्लाई 12, 134 मल्टीप्लाई 12, 2 की टेबल हम 4 पे राइट करेंगे, पहले वंस में फिर टेंस में फिर 100 में, तो फर्स्ट क्या है हमारी 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब सेकंड डिजिट हमारी क्या है 1, अब हम इनको टेंस वंस में टेंस में और 100 तीनों में इसको 1 से करेंगे, 1 4 जा 4, 4 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 8 8 6 4 10 0 1 या कैरी हुआ 3 2 1 6 1 1, आंसर क्या आया हमारा 1608। टॉपिक लैटिस मल्टीप्लाइकेशन 1 एंड 2 डिजिट, 24 मल्टीप्लाई 2, अब हमारा ये क्या है 2 डिजिट है तो हमने यहाँ पर क्या करा 2 बॉक्स बनाए हैं और ये क्या है 2, तो हमने एक बॉक्स के ऊपर 2 और दूसरे बॉक्स के ऊपर 4 राइट किया है, ये क्या है हमारी 1 डिजिट तो हम यहाँ पर इसमें 1 डिजिट को ही राइट करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई हम 4 में करेंगे, 2 4 जा 8, फिर हम 2 की मल्टीप्लाई ही 2 में करेंगे, 2 2 जा 4, हमारा आंसर क्या आ गया 48, 48 24 मल्टीप्लाई 2 क्या है हमारा आंसर 48। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, 67 मल्टीप्लाई 18, अब ये क्या है हमारी 2 डिजिट है और हमें जो करनी है वो भी 2 डिजिट है तो हम यहाँ पर कितने बॉक्स बनाएंगे 2 ही बॉक्स बनाएंगे, 6 फर्स्ट बॉक्स के ऊपर 6 और सेकंड बॉक्स के ऊपर 7, अब ये क्या है हमारा 1 और 8 तो हमने फर्स्ट डिजिट में 1 और सेकंड बॉक्स में 8 राइट किया है, ऐसे मल्टीप्लाइकेशन करेंगे हम 1 से 7 की, 1 7 जा 7, 1 6 जा 6, सेकंड बॉक्स में 8, 8 की 7 से, 8 7 जा 56, तो 5 हम ऊपर वाले बॉक्स में राइट करेंगे और 6 नीचे वाले में, 2 डिजिट आ गई है तो हमारी अगर जो सिंगल है तो हम 1 ही बॉक्स में करेंगे वंस वाले में, बट जब 2 डिजिट होंगी तो 2 में करेंगे, 8 6 जा 48, तो हमने 4 यहाँ और 8 यहाँ, अब हम इनको 4 के 4 बॉक्स को यहाँ पर कंबाइन करेंगे, इनको जोड़ देंगे, अब देखिए हमारा ये ऊपर 0, ये 4 6 0 8 5 7 6, अब नीचे से स्टार्ट करेंगे हम, ये 6 है तो हमारा ये क्या है 6, अब इनको हम ऐड करेंगे 8 5 7 तो काउंट किया हमने कितना आया हमारा 20, बट यहाँ क्या है हमारी 0 और 2 हमारा यहाँ पर कैरी हो जाएगा तो इसको हम इसमें ऐड करेंगे 4 6 10 और 2 12, तो ये क्या हुआ हमारा 12 और ये क्या है 0, तो अब हमारा आंसर क्या हुआ 12, यहाँ की 0 ये 6, तो आंसर क्या है 1206।
टॉपिक वर्ड प्रॉब्लम. अ रेसिपी ऑफ केक रिक्वायर्स 345 ग्राम ऑफ शुगर. हाउ मच शुगर इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 12 सच केक्स. वन केक के लिए हमें रिक्वायर्स है शुगर की 345 ग्राम, और 12 केक्स के लिए कितनी शुगर रिक्वायरमेंट होगी. तो हमने क्या किया, अ रेसिपी ऑफ केक रिक्वायर शुगर 345 ग्राम. द शुगर रिक्वायर्स फॉर 12 सच केक्स 345 × 12. 12 से इनकी मल्टीप्लाई करी, 2 5s are 10, 0 1 कैरी, 2 4s are 8, 1 9, 2 3s are 6. अब सेकंड डिजिट की, 1 5s are 5, 1 4s are 4, 1 3s are 3. अब हम इनको ऐड करेंगे, 0 0 9 5, 14 4, 1 कैरी, 6 4 10, 1 11, 1 1 कैरी, 3 1 4. तो आंसर क्या आया हमारा, 4140. नेक्स्ट टॉपिक, एस्टिमेटिंग द प्रोडक्ट. 75 × 14. एस्टिमेटिंग में हम क्या करते हैं, पहले हम इनका एस्टिमेट निकालते हैं, उसके बाद हम इसकी एक्चुअल भी करते हैं. 75, 5 हमारी डिजिट क्या है, बड़ी है, तो हमारा ये 7 में 1 हो जाएगा ऐड, तो 80 हो जाएगी हमारी ये एस्टिमेट. और 14 का 4 5 से छोटी है, तो ये क्या बन गया हमारा, 10. अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 18 और 10 की, आंसर क्या है हमारा, 800. सेम डिजिट 75, 14 है, तो हम इसको ऐसी की एज इट इज ही मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर है 1050. प्लीज सब्सक्राइब अवर स्कूल यूट्यूब चैनल इफ यू हैव नॉट डन योर लाइक, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन टू रिसीव ऑल द नोटिफिकेशन. स्टे होम, स्टे सेफ.